और भीम आर्मी के लोग यहाँ जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, सभी के लोग कॉलेजों से आकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के बीच में हमारे एक राष्ट्रीय कवि शशिभूषण जी भी हैं जो भीम आर्मी को समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। शशिभूषण जी, आपका SM न्यूज़ में हार्दिक धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शशिभूषण जी, जो ये एडवोकेट चंद्रशेखर उर्फ रावण पर जो ये जमानत होने के बाद रासुका लगाई, इसका क्या सिरे है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, रासुका लगाने का इनका उद्देश्य है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जेल से बाहर ना आए और फिर दलित एक ना हो जाएं। मतलब एक जो ताकत बनकर उभरी थी हमारी चंद्रशेखर आज़ाद, उनको आज इन्होंने कैद कर रखा है और वो ताकत बाहर आएगी तो पूरे देश में BJP सिमट के रह जाएगी। और आप देख रहे हैं कि सहारनपुर कांड और चंद्रशेखर भाई आज़ाद की ही ये सब करामात है कि आज BJP सिकुड़ती जा रही है। अभी से पेंट गीली हो रही है इनकी गुजरात में, इसीलिए कि जब बाहर निकल आके और गुजरात में वो कूद पड़े या कहीं भी कूद पड़े तो ऐसा ना हो कि BJP ख़त्म हो जाए। तो उस डर से सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद पर, जब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और जमानत के जैसे ही लिखित में बाहर आया आदेश, तो तुरंत रात को इन्होंने रासुका लगा दी। लेकिन अब हम इसका जवाब, हम दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे, रासुका हटवाएंगे और आज उसी के विरोध प्रदर्शन में हम यहाँ आए हैं। तो ये सरकार को एक डर है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं BJP RSS को ख़त्म ही ना कर दे। मेरा कहने का मतलब उसमें ख़त्म ही ना कर दे, क्योंकि ये आखिरी बुढ़ापा चल रहा है, BJP RSS का बुढ़ापा चल रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बस जनाजा निकलेगा और ख़त्म, दफना दी जाएगी। शशिभूषण जी, क्या कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और एक दबाव में आके और ये जो सरकार है वो कोर्ट की अवहेलना कर रही है और ये एक साजिश के तहत उन पर रासुका लगाया गया? देखिए, कोर्ट से ऊपर, हाई कोर्ट से ऊपर तो सरकार जा नहीं सकती, लेकिन फिर भी क्या वही एविडेंस, जो एविडेंस आज इन्होंने जमानत मिलने के बाद पेश किए हैं, यही एविडेंस इनके पास पहले थे, लेकिन उन्होंने पहले वो रासुका क्यों नहीं लगाई? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। कोई एविडेंस नहीं है इनके पास, रासुका का कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे ये लगा सकें। अभी हमारे कागज गवर्नर साहब को भी जाएंगे और हाई कोर्ट में भी याचिका हमने डाली है वहाँ, और देखिए निर्णय आपके सामने होगा। चंद्रशेखर भाई बहुत जल्दी जमानत उनको जैसे वहाँ से मिली है, ऐसी रासुका हटने का आदेश कोर्ट देगा और चंद्रशेखर भाई बाहर होंगे। शशिभूषण जी, आप कवि हैं और कवियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि जो इस तरीके जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, कि आप अपने कविता के माध्यम से इन मनुवादी लोगों को, जैसे आप लोग मनुवाद कहते हैं, कि मनुवादी लोगों को एक बार झकझोड़ने की आप कुछ लाइनें सुनाएं। हम वो डला नहीं जो घुल जाए पानी में, हम वो डला नहीं जो घुल जाए पानी में, कौम की खातिर मिट जाएंगे भरी जवानी में। जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी। संविधान के पालन करता हक के लिए लड़ेंगे, यदि तुम अत्याचार करोगे सीना ठोक अड़ेंगे। स्वाभिमान की जंग छिड़ी है बहुजन जागे हैं, स्वाभिमान की जंग छिड़ी है बहुजन जागे हैं, नहीं हटेंगे यही कहेंगे हम अम्बेडकरवादी। जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी। ये गीत भीम आर्मी को मैंने समर्पित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।